अपने शरीर के लिए अच्छे होते हैं ऐसा नहीं है। अगर सोर्सेज सप्लीमेंट्स के माध्यम से अभिषेक ने अपने करियर की शुरुआत की है, ये वो 25 करोड़ से ज़्यादा उनका कंपनी का टर्नओवर है और ये पहला उनका आउटलेट है, और साथ ही में एक साल में करीबन 100 आउटलेट थाने से लेके पूरे पालघर जिला और महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष में जहाँ जहाँ पे अच्छे जिम्स है वहाँ पे ये अपनी जो सप्लीमेंट है वो देना चाहते हैं और उस माध्यम से वो कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये बिजनेस तो होता रहेगा, मगर एक युवा हमारा जो हमारे घर का है वो अगर बिजनेस में आगे प्रगति करे तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मीरा रोड में अभी दिन ब दिन आबादी बढ़ती जा रही है, नए नए यंगस्टर यहाँ पे रहने को आ रहे हैं और जिम की संख्या भी बढ़ती जा रही है और घर में भी कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो ये सोर्सेज सप्लीमेंट्स के माध्यम से जो इनका खुद का प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के माध्यम से घर घर में वो पहुँचे हम दुआएं करते हैं। और साथ ही में अभिषेक को ये भी कहना चाहते हैं कि आगे बढ़ते रहिए, जिस वक्त हमारी जरूरत पड़ेगी निश्चित रूप से हम उनके साथ में रहेंगे, उसको आशीर्वाद देंगे। देखिए पिछले 25 साल से मैं भी थाने जैसे शहर में मेरे खुद की तीन जिम है और बहुत सारे लड़के हमने भी हमारे जिम से आगे कर दिए हैं, भारत श्री से लेके महाराष्ट्र से लेके थाने जिला की बहुत सारी शरीर स्वास्थ्य जो स्पर्धा होती है वो हम हमारे इलाके में करते हैं। सप्लीमेंट एक जरिया है अपने शरीर को लोगों के सामने लेके आने का, मगर हर बच्चों ने सप्लीमेंट लेना ही चाहिए या ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ यंगस्टर को सप्लीमेंट सूट भी होती है, किसी को सूट भी नहीं होती है। मगर हाँ ये बात ज़रूर है कि अच्छे सप्लीमेंट अगर कोई लेंगे और साइड इफेक्ट अगर उसका नहीं होगा तो ज़रूर उसमें प्रगति होती हो बच्चों में, उन नौजवानों में ताकत और ज़्यादा दुगनी हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा या तो सप्लीमेंट ले तो अच्छा, और जो सप्लीमेंट के ऊपर हमारा भरोसा हो वही सप्लीमेंट लेना चाहिए। जैसे हमारे अभिषेक ने जो प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किया सोर्सेस सप्लीमेंट का, और अगर नहीं लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। जो ईश्वर ने हमें ताकत दी है, हमारी शरीर दिया है, वो शरीर का अच्छी तरह से यूज़ करके अपनी शरीर दृष्टि लोगों को दिखाने के लिए वो कामयाब हुए। और फिर एक बार अभिषेक के इस नए बिजनेस के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और वो आगे बढ़े हम उनके साथ। बिल्कुल, मैं बहुत सारा शुभकामना देता हूँ और सबसे पहले हमारे सबके लोग अगले नेता हमारे सरनाइक साहब यहाँ पर आए उनका हम वेलकम करते हैं, क्योंकि हमेशा सर जो है हम जैसे युवाओं को और से जैसे युवाओं को ये हमेशा प्रोत्साहन देते हैं। और जो स्पार्टन और रिसोर्सेज जो है जो प्रोडक्ट है, अभिषेक खुद एक बॉडी बिल्डर है और उसी में उसने अपना करियर जोड़ा जो है। पहले वो जिम में जाता था, बॉडी बिल्डिंग किया और धीरे धीरे उस फील्ड में उसने इतना अच्छा अचीवमेंट किया कि वो खुद एक प्रोडक्ट का जो है मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में गया, स्टडी किया और बहुत ही सेफ तरीके से उसका यहाँ पे वसई में इंडस्ट्री है और विदाउट साइड इफ़ेक्ट ये प्रोडक्ट जो है पूरे पैन इंडिया और सर यूरोप और अफ्रीका में भी ये प्रोडक्ट जाता है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और उस और ख़ुद भी अभिषेक यूज करता है। सबसे खुशी की बात ये है कि सेम प्रोडक्ट मैंने कहा कि तुम लगातार खाओ और फिर खिलाओ, तो खाता भी है और खिलाता भी है। तो मैं ढेर सारा शुभकामना देता हूँ और कहीं ना कहीं जो है हमें लगना चाहिए कि हमारा यंग इंडिया हमें बनाने के लिए निश्चित तौर पर हमें सर ने जैसा बताया कि हमें जिम भी करना चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसे प्रोडक्ट का यूज हमें जो हमारा क्राइटेरिया जो पैमाना है उसमें अगर अच्छे ऐसे प्रोडक्ट है तो उसे हमें लेना चाहिए। और निश्चित तौर पे मैं शुभकामना दूंगा कि अभिषेक हमारे घर का बच्चा है, हमारा भाई है, तो निश्चित तौर पे पूरे इंडिया में सप्लाई में पूरी दुनिया में करे और ऐसे आउटलेट जो है जैसे आज मीरा रोड में खुला तो पूरे इंडिया में ऑलरेडी जो है प्रोडक्ट जाता है, लेकिन खुद का एक आउटलेट जो है ऐसे बढ़ता जाए। और सर ने अभी टारगेट भी दे दिया कि 100 आउटलेट आपको खोलना है और तब तक खड़ा रहना है, तो निश्चित तौर पर सर वो टारगेट को आपको स्वीकार करेगा और 100 नहीं वो 200 अचीव करेगा कुछ ही सालों में जो है। तो मैं ढेर सारा शुभकामना देता हूँ और सर को थैंक्स बोलता हूँ कि आप हमेशा इस तरीके से युवाओं को आप प्रोत्साहन देते हैं और आपको भी प्रोत्साहन पूरा युवा देगा और पूरा मीरा भाईंदर शहर आपके साथ है सर जो है।
बहुत बहुत थैंक यू। आप राजनीति पार्टी से जुड़े हुए और राजनीति के भी बहुत सारे नेता फिटनेस को लेकर काफी एग्रेसिव नजर आते हैं, तो आप किन नेताओं को चाहेंगे कि वो इस शॉप पर आए और वो भी फिटनेस से जुड़े जो ना जुड़े होंगे? देखिए, कोई भी राजनीति हो या बिजनेस हो, व्यक्ति पहले फिट रहेगा तो ही कुछ काम अच्छा कर पाएगा। और मोदी जी देखिए योगा सिखाते रहते हैं, करते रहते हैं, और इसी तरीके से हम लोग भी जो है जो भी प्रोडक्ट होगा अपने हेल्थ के लिए जो है, क्योंकि जितना लीडर या कोई भी ऑफिसर्स या जो भी है सोशल में जिनका जो है ज़रूरत है, जैसे सरनाइक साहब है आज, जिनका हम लोगों को ज़रूरत है, इस शहर को ज़रूरत है, तो जितना ये फिट रहेंगे उतना ही लोगों का फ़ायदा होगा। तो निश्चित तौर पर हम लोग समाज सेवा से जुड़े हैं, तो हम लोग भी इस प्रोडक्ट को और या कोई भी हमारा अच्छा प्रोडक्ट होगा उसको यूज करके जितना फिट रहेंगे उतना ही। आई थिंक अभिषेक जी को काफी समय से जानता हूं मैं, तो कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा। और इस तरह के स्टोर्स जनरली खुलने चाहिए हर मोहल्ले में, हर शहर में, जिससे बच्चों को सहूलत होगी जनरली क्वालिटी सप्लीमेंट मिलने के लिए। मेरे लिए फिटनेस आइकन का अवार्ड मिलना, दादा साहब फाल्के अवार्ड, लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट था। एंड कोशिश कर रहा हूँ कि जितने लोगों के साथ कनेक्ट हो पाऊँ और जो एक्सपीरियंस मुझे ज़िंदगी में है थोड़ा बहुत उनको सिखा पाऊँ अपने माध्यम से, इंस्टाग्राम के या यूट्यूब के चैनल के थ्रू। इनको काफ़ी सालों से मैं जानता हूँ, इनफैक्ट इनकी अच्छी कंपनीज हैं, काफ़ी अच्छे सुलझे हुए बिजनेसमैन हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी ही इज ग्रोइंग मोर एंड मोर एक्साइटेड। मैं साहिल सर को बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर प्लीज अगर हम लोग कुछ कोलैबोरेशन में कुछ कर पाए, इट्स वेरी ऑनर टू मी। इसके अलावा सर आए यहाँ पे, उनके फॉलोअर्स देख रहे हैं आपकी कितने अच्छे कितने बड़े हैं, जो दिल से रुके हुए हैं। 4 o'clock का हम लोग ने टाइम दिया था, अप्रॉक्सीमेट अभी 8:15 हो रहे हैं। एंड कुछ जितना बोलेंगे सर के बारे में, साहिल सर के बारे में, उतना कम है। एक्चुअली बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है सोर्सेस न्यूट्रा साइंसेस। उसके काफ़ी ब्रांड्स हैं, जैसे एक उन्होंने उसमें से एक है स्पार्टन स्पोर्ट साइंसेस, दूसरा सोर्सेस सप्लीमेंट है, तीसरा स्कल्प न्यूट्रिशन है। ये सारे ब्रांड्स लेके हम रन कर रहे हैं मार्केट में। कहीं ना कहीं कस्टमर बहुत सेटिस्फाई है ब्रांड से, उनका बहुत रिक्वायरमेंट है चीज़ों को, रिपीट कॉल्स जिसको बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल वो काफ़ी है। वो डे बाय डे वही हमें ग्रो कर रहे हैं मार्केट में, बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है हमें, और हम आज ये स्टेज पे हैं बिकॉज ऑफ अवर क्लाइंट एंड कुछ हद तक हमारे फ्रेंड्स और साहिल सर का सपोर्ट है जो आज हम लोग यहाँ पे हैं। You see, I don't think I have a very good physique. I just do whatever I can because I'm 44-year-old. अभी जो बच्चे हैं वो तो 20 साल या बहुत ही कम उम्र के लोग बहुत अच्छी बॉडी लेकर पूरे हिंदुस्तान में आए हैं। I'm glad that इंडिया में इतना ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस बढ़ रहा है। एंड जब हमने स्टार्ट किया था स्टाइल के टाइम पे, सो लोग मजाक उड़ाते थे कि यार ये बॉडी वॉडी से क्या होता है। अब पूरी इंडस्ट्री बन गई है, लोग काम धाम छोड़कर जॉब एज अ ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनर बनते हैं, सप्लीमेंट इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है। यू नो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूवमेंट। हमारे प्रताप सरनाइक साहब का प्यार था हमारे लिए, उनका कहीं ना कहीं सपोर्ट है हमारे लिए। हम बहुत ही जल्द विद इन 2 weeks आने में स्टोर से कम कर रहे हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टारगेट मलाड चल रहा है, वो भी ऑन प्रोसेस है, विद इन अ मंथ वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, विद इन 30 days। लेट्स सी क्या क्या फाइनलाइजेशन होता है, इट डिपेंड। इसमें मैं पूरा का पूरा सपोर्ट देना चाहता हूँ मेरे डिस्ट्रीब्यूटर लॉबीज को,
जिनके वजह से आज हम यहाँ पे। उसके अलावा जो मेरे कस्टमर्स है एंड कंज्यूमर, मैं उनको बोलता हूँ, उनके वजह से ही आज हम यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। हम लोग बहुत कम मार्केटिंग बजट में और काम करते हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करते हैं कि हम लोग कस्टमर्स तक पहुँचे और वो रिपीट कॉल्स आ रहे हैं हमें, उसके वजह से हम ग्रो कर पा रहे हैं। साहिल जी, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो क्या है? YouTube चैनल, Instagram, that's all.